बिहार के मुजफ्फरपुर में धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये छात्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले लंकट सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे और पिछले दो दिनों से यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना दे रहे थे। लेकिन वहां भगदड़ तब मच गई जब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठी से बचने के लिए कई छात्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो लोग पकड़े गए उनकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले वहां कई छात्र धरने पर बैठे रहे। इस बीच उन्होंने लंगट से कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों को डराने धमकाने के साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए। वो लगातार छात्रों को डराते हैं, धमकाते हैं। वो कॉलेज के फंड से लाखों रुपए का रोज गबन करते अपने निजी कार में खर्च करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग पहुँच गए, जिसके बाद धरना दे रहे छात्रों को समझा बुझा कर हटाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद भी छात्र नहीं माने तो एसडीओ कुंदन कुमार गुस्से से तिलमिला उठे। इसके बाद पुलिस के जवानों ने धरना दे रहे छात्रों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी और फिर कुछ ही देर में उन्हें वहां से खदेड़ दिया। सख्ती दिखाते हुए उन लड़कों को हटाया है, कुछ बल का भी प्रयोग किया है। इस मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के काम में बाधा डालने के आरोप में कुछ छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में अंधविश्वास में अंधे माता पिता पर अपनी ही दो बेटियों की जान लेने का आरोप लगा। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। पुलिस के मुताबिक एक तांत्रिक के बहकावे में आकर माँ बाप अपनी ही बेटियों के कातिल बन गए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें दिखा कि लड़कियों की मौत से पहले घर में पूजा पाठ किया गया था, जिसके बाद वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं और पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। रात में जब पुलिस चित्तूर के इस घर पर पहुंची तो घर की लाइटें तो जल रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद पुलिस घर के अंदर गई। बताया गया कि जिन दोनों लड़कियों की मौत हुई उनमें एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी जबकि दूसरी ग्रेजुएशन कर रही थी और वो बेहद खुश मिजाज स्वभाव की थी। लेकिन इस घर की खुशियों को उस वक्त ग्रहण लग गया जब दोनों लड़कियों की मां